हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ पेड़ पौधों के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारे चारों ओर अनेक पेड़ पौधे तो देखा ही होगा। ये सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं हैं, इनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे। इनमें से कुछ तो पानी में भी उगते हैं, तो कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनमें डाल नहीं है, जैसे कि नारियल का पेड़। ऐसे और भी पेड़ हैं, जरा सोचो तो, ऐसे और कौन-कौन से पेड़ हैं? खजूर का पेड़, और हाँ, तामूल का पेड़। ऐसे ही अनेक तरह के पेड़ पौधे हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। एक आम का पेड़ और एक लौकी का पौधा, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए पेड़ पौधों को उनके गठन के हिसाब से चार बड़े हिस्सों में बांटा गया है। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह एक कटहल का पेड़ है। इसे ध्यान से देखो। इस पेड़ का तना मोटा और मजबूत होता है। यह बहुत ऊंचा होने पर भी सीधा खड़ा होता है। ऐसे पेड़ जो बहुत बड़े, मोटे और डाल पत्तों से भरे होते हैं, ऐसे पेड़ों को वृक्ष कहा जाता है। जैसे कि पीपल का पेड़। ऐसे और भी पेड़ हैं, जरा सोचो तो, कौन-कौन से पेड़ को हम वृक्ष कह सकते हैं? क्या ये एक वृक्ष है? जी नहीं, ये एक वृक्ष नहीं है, क्योंकि ये पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो क्या ये वृक्ष है? जी हाँ, ये वृक्ष है। यह एक आम का पेड़ है। उसी तरह से जामुन भी एक वृक्ष है। इन वृक्षों से प्राप्त लकड़ी हमारे बहुत काम में आते हैं। तो वृक्ष के बारे में आप लोग जान गए। अब हम दूसरी प्रकार के पेड़ के बारे में बात करेंगे। चाय का बागान तो आप लोगों ने देखा ही होगा। असम चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चाय के पौधे कम ऊंचाई वाले और झाड़ीदार होते हैं। ऐसे नाटे और झाड़ीदार पौधों को गुल्म कहते हैं, जैसे कि गुलाब। और कौन-कौन से पौधे हो सकते हैं जिन्हें हम गुल्म कह सकते हैं? जरा सोचो तो, क्या ये एक गुल्म है? जी नहीं, ये एक गुल्म नहीं है, ये तो एक वृक्ष है। ये एक अरहुल का पौधा है। तो क्या ये गुल्म है? जी हाँ, ये एक गुल्म है, क्योंकि अरहुल का पौधा कम ऊंचाई वाला और झाड़ीदार होता है। इसी तरह मेहंदी भी एक गुल्म है। तो वृक्ष और गुल्म के बारे में जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं लौकी, खीरा, कद्दू इस तरह के पौधों की तरफ। ये पौधे दुबले और नरम होते हैं। ये दूसरों के सहारे चढ़ते हैं। इन्हें चढ़ने के लिए बांस का छप्पर बना दिया जाता है। तो कुछ पौधे दूसरे पेड़ पर ही चढ़ जाते हैं, कुछ तो जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं।
इस तरह दूसरे के सहारे चढ़ने वाले पौधों को लता कहते हैं, यानी ये सभी बेल वाले पौधे हैं। ऐसे अनेक लता आप लोगों ने अपने घर में या फिर आसपास जरूर देखे होंगे। अब हम चलते हैं पेड़ पौधों के चौथे भाग की तरफ। इस भाग में कई प्रकार के पेड़ पौधों को रखा गया है। इस भाग में रखे गए ज़्यादातर पौधे छोटे छोटे घास जैसे होते हैं। इनका तना नरम और मुलायम होते हैं, जैसे कि दूब, धान, विभिन्न प्रकार के साग। इस प्रकार के पौधों को तृण कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि बांस और गन्ना भी तृण ही हैं? इनमें भी कुछ घास की तरह बहुत सारे गांठ होते हैं और इनके जड़ भी तृण के जैसे ही होते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना के गठन के हिसाब से पेड़ पौधों को चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग है वृक्ष, गुल्म, लता और तृण। तो पेड़ पौधों की बातें पाठ के एक में इतना ही। पेड़ पौधों के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।